हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध रख दिया है पैन में। ये मैंने खीर मिक्स लिया है, जो कि ये वाला खीर मिक्स जो है ना, ये लिया मैंने। हम इसमें राइस नहीं लेंगे, खीर मिक्स लेंगे। तो ये मैंने खीर मिक्स लिया है, खीर मिक्स इधर रखा हुआ है, एक खीर मिक्स है। और साथ में 1 चम्मच देसी घी ले लिया मैंने, 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया, 1 कप शुगर। और ये जो दूध है, ये दूध का डिब्बा है, ये जो यहाँ रखा है मैंने 1 लीटर दूध। तो इसमें अब मिक्स करने जा रहा हूँ मैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर रख दिया मैंने, इसको आराम से मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर। इससे क्या होता है ना कि इसका टेस्ट अलग ही बढ़ जाता है मिल्क पाउडर डालने से, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाला है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा मिल्क पाउडर पूरा इधर घुल गया इसमें। तो अब दूध उबाल आने वाला है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, तैसे हम एक खीर मिक्स ऐड करेंगे। फिर चला देते हैं। दो दिन उबल आने वाला है अभी। इसको बीच में इसको रात रहना है, क्योंकि रात फिर इसका जो तले नीचे जो है ना लग जाता है दूध। इसमें दूध में उबल आ गया दोस्तों। मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ खीर मिक्स और घी। ये जो खीर मिक्स है, इसमें ऑलरेडी काजू बादाम पिस्ता सब मिक्स किया जाता है, इसके लिए टेस्टी होता है, अच्छा होता है, साथ में हेल्थी भी होता है। तो इसको पकने देंगे अभी। चीनी हम लोग बाद में ऐड करेंगे। मैंने चीनी 1 कप लिया है, वैसे हम चीनी इसमें शायद आधा कप ही यूज़ करेंगे। चीनी इसमें ऑलरेडी है थोड़ा सा, इसलिए। तो अभी उबलने शुरू हो गया है, पकने शुरू हो गया है अभी। तो इसको मीडियम आंच से पकाते रहेंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये अच्छी तरह से ना पक जाए तब तक पकाते रहेंगे इसको।
बेसिकली खीर बनाते हैं तो हम लोग दूध में राइस चावल लेके बनाते हैं ना, तो ऐसे नहीं है हम लोग खीर मिक्स ले आए, इससे भी अच्छा खीर बनता है। आप सोच रहे होंगे कैसे खीर बना रहा है बिना चावल के, ऐसा नहीं है, वो खीर मिक्स ले आए इसलिए उससे बनाने जा रहे हैं। खीर मिक्स जो है ये हेल्थी भी होता है। इसमें एक्चुअली मिक्स मिल्क एंड राइस पुडिंग इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये हमारा खीर पक रहा है, अभी देखिए उबल आ रहा है अच्छे से। इसका मीडियम लो ही लो एंड इसका फ्लेम मीडियम एंड लो रखना है, हाई नहीं रखना है, हाई नहीं रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसके नीचे जो है ना लग जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। लो टू मीडियम करेंगे इसका फ्लेम। ये मैंने रखा है इलायची पाउडर, ये थोड़ा ऐड करूँगा मैं अभी खुशबू के लिए। चलो ये भी थोड़ा ऐड कर देते हैं, इलायची पाउडर भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, एक या दो पिंच, बस दो पिंच मैंने यूज़ कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे खीर में जो है ना अच्छा से खुशबू, खुशबू के लिए मैंने डाला है। बस इसको अगर 7 से 8 मिनट ऐसे पकाएंगे तो पक जाएगा ये। इसमें अभी थोड़ा चीनी भी ऐड कर देंगे, आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। अभी मैंने 1 कप लिया था, आधा कप डाला है इसमें, मैं क्या आधा कप में रखा है मैंने, तो उसको मिला देते हैं। चीनी को अच्छे से घुल देते हैं इसमें, पक जैसे पक रहे हैं ना ऐसे हमारे गाढ़ा होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स था वो पक के गाढ़ा हो जाता है। बस इसको और 5 मिनट पकाएंगे, इसके बाद कब तैयार खीर। देखो ये साइड साइड में लग गए है, इसको ऐसे निकाल देंगे ताकि जल ना जाए फिर कहीं ना, इसको निकाल देते हैं। इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए।
इसका था फ्रेंड लगता है ज़्यादा हो गया, अब कम कर देंगे तुम्हें ताकि ना जले। देखो हमारा खीर गाढ़ा होते जा रहा है, वीडियो मैंने स्किप नहीं किया दोस्तों, इसलिए कि ताकि पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ही पूरा अच्छा से बनाएंगे, बोल के मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है। देखो पूरा कंटिन्यू बनाया है, हमारा पक गया ऑलरेडी, देखो इतना गाढ़ा हो गया अभी, ये देखो जैसे ठंडा हो जाएगा और भी गाढ़ा हो जाएगा, फिर भी उसको 4 मिनट और पकाएंगे, 4 या 5 मिनट। गाढ़ा हो गया अभी ना, चलिए खीर जल्दी बन जाता है। जो हमारा चावल वाला खीर है ना वो थोड़ा टाइम लगता है बनने में, जैसे इसको उतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसलिए इसका जो मिक्स मसाला जो है ना वो बारीकी से पिसा गया होता है, इसीलिए जल्दी बन जाता है। ये देखो गाढ़ा हो गया अभी, जो इसे मैंने 1 चम्मच घी दिया था वो टेस्ट के लिए दिया था, वो ऑप्शनल है, आप लोग नहीं भी दे सकते घी, क्योंकि घी दिया तो टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने घी दिया था 1 चम्मच। ये देखो दोस्तों अभी घी हमारा रेडी होने वाला है, गाढ़ा होते जा रहा है घी हमारा, सॉरी खीर। ये देखो जिसका वो 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद खीर रेडी। कितना गाढ़ा हो गया अभी, गाढ़ा हो गया, देखो दोस्तों अभी हमारा खीर रेडी होने वाला है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है खीर। थोड़ा पकने देते हैं और 1-2 मिनट, और पक जाए। तो दोस्तों कैसे लगा ये हमारा खीर का रेसिपी, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, आप लोग भी ट्राई करें एक बार ज़रूर, ये वाला खीर बहुत ही टेस्टी होता है, साथ में बहुत ही हेल्थी भी होता है ये वाला खीर। गाढ़ा हो गया अभी, गाढ़ा हो गया बहुत हमारा अभी, ये देख लीजिए आप, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर रखिए पक गया है। अभी इसको हम लोग गैस को बंद कर देते हैं, तो अभी इसको ऐसे ही थोड़ा ढक के रख देंगे,
थोड़ा सा आई थिंक कवर करके जस्ट इधर से थोड़ा अपना हमारा खीर रेडी है दोस्तों। तो ये खीर हमारा बन के रेडी हो गया है।